हाँ जी, राम राम जी, क्या हालचाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से 7 प्रकार की नई पोस्ट का नोटिफिकेशन आ गया है। यदि आप जाना चाहते हैं और आप हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, जॉब लगना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नॉलेज टी वी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों देख लेते हैं, आज मैं जिस भर्ती की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये भर्तियां आपकी टेम्परेरी है और प्राइवेट सेक्टर की जॉब है। हरियाणा कौशल रोजगार में अब 2 प्रकार की वैकेंसी दी जाती है, एक तो सरकारी डिपार्टमेंट में टेम्परेरी वैकेंसी, एक प्राइवेट सेक्टर की वैकेंसी। ठीक है, तो आज हम प्राइवेट सेक्टर में जो वैकेंसी निकली है 7 प्रकार की, उनके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन यदि आपका सपना गवर्नमेंट जॉब पाने का है और आप CET की तैयारी कर रहे हैं तो CET के लिए KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर बेहतरीन बैच उपलब्ध है। आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। पहले डेमो देखिए, डेमो पसंद आए, आपको लगे कि टीचर का समझाया हुआ मेरे समझ में आ रहा है, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपके लिए ALM के लिए बैच उपलब्ध है, आपके कॉमर्स के लिए बैच भी उपलब्ध है, 12th कॉमन के लिए भी उपलब्ध है, ग्रेजुएशन कॉमन के लिए उपलब्ध है, CET में जो एडवांस सिलेबस ऐड किया है उनके लिए भी बैच उपलब्ध है। ठीक है, फायरमैन का बैच भी उपलब्ध है। तो यदि आपका दिल करे, आपको जरूरत महसूस हो, तो आप KTDT ऐप पे डेमो देख सकते हैं। कोई जानकारी लेनी है 70 15 24 34 91 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो अब चलते हैं जी हरियाणा कौशल रोजगार की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो मैंने आपको बताया कि हरियाणा कौशल रोजगार में 2 प्रकार की वैकेंसी रहती है। अब एक तो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में टेम्परेरी वैकेंसी, उसके बाद दूसरी वैकेंसी अभी मुख्यमंत्री साहब ने हरियाणा में एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें अब आपको क्या दिया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां भी अब आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। यानी कि मैं कोई कंपनी हूँ और मुझे कभी स्टाफ की जरूरत है तो मैं इस वेबसाइट पे, जो एक नई वेबसाइट इन्होंने स्टार्ट करी है, इस वेबसाइट पे जाऊँगा और बताऊँगा कि मैं ये कंपनी हूँ, मुझे इस स्टाफ की जरूरत है और ये योग्यता होनी चाहिए स्टाफ की। तो ये जो पोर्टल है वहाँ पे आवेदन मांगेगा, युवा अप्लाई करेंगे और उसमें अप्लाई कर पाएंगे। फिर जो है बंदे मेरे पास आएंगे, मुझे 5 बंदों की जरूरत है, मुझे 5 बंदे यहाँ से जो है स्टाफ हो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जॉब लोकेशन बता रखी है, अभी हिसार में वैकेंसी निकली है, गुरुग्राम में वैकेंसी निकली है, सोनीपत में वैकेंसी निकली है और पंचकुला के अंदर वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन, मैकेनिकल फिटर। ठीक है, तो 4-5-2023 से आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। 15-5-2023 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है इस पोस्ट की। यहाँ पे क्वालिफिकेशन बता रखी है आपकी, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। ठीक है, 5वीं से 12वीं या IT स्किल रिक्वायर्ड, मशीन मेंटेनेंस हो गया आपका, और फिर कई प्रकार की चीजें इन्होंने बता रखी है। फिजिकली फिट होना चाहिए, कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। जॉब लोकेशन आपकी हिसार रहेगी। उसके बाद में मेंटेनेंस फिटर, तो 4-5-2023 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है, 15-5-2023 लास्ट डेट है, जॉब लोकेशन हिसारी है। सेम यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताई गई है। उसके बाद में है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। ठीक है जी, तो 4-5-2023 से 15-5-2023 फॉर्म भरने की डेट है। गुरुग्राम में जॉब लोकेशन है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, BTech होनी चाहिए जी। ठीक है, BTech होनी चाहिए। उसके बाद में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, तो 4-5-2023 से लेके 15-5-2023 के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे। गुरुग्राम जॉब लोकेशन है। आपने BBA कर रखी हो, MBA कर रखी हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में है प्रोडक्शन या क्वालिटी, तो 4-5-2023 15-5-2023 लास्ट डेट, गुरुग्राम में जॉब लोकेशन। ITI कर रखी हो और BSc कर रखी हो या पॉलीमर से आपने कर रखी हो। मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी और जॉब लोकेशन गुरुग्राम। मशीन ऑपरेटर, तो इसकी जो डेट रहेगी 5-5-2023, सोनीपत में इसकी जॉब लोकेशन है, ये तो पहले निकली थी। फिर स्टाफ नर्स, इसकी भी लास्ट डेट आज है। पंचकुला में जॉब लोकेशन है। GNM या BSc कर रखे हो आपने, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 7 प्रकार की वैकेंसी निकली है और ये प्राइवेट सेक्टर वाली है। ठीक है, यदि आप कोई भी डिटेल देखना चाहते हैं, चेक के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे जो कि है हरियाणा कौशल का जो एंटरप्राइजेज नाम से इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है उसके ऊपर यहाँ पे सारी डिटेल है वो दे रखी है। ठीक है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई का बटन है और लॉगिन का बटन है। लॉगिन उसके लिए है जिन्होंने पहले इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, फॉर्म आधा रह गया है तो फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए लॉगिन पे जाना है। यदि आप पहली बार इस वेबसाइट पे आए हैं, पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई पे क्लिक करना है। तो ये मामला था जी आपका। और प्राइवेट सेक्टर की जॉब के लिए भी अब आपको यहाँ पे फैमिली आईडी है, ये सारी चीजें कंपलसरी कर दी गई है। और हालांकि कोर्ट ने आदेश दे रखे कि आधार कार्ड से जुड़ी हुई कोई भी चीज नेसेसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन पता नहीं हमारी सरकार हमारा सिस्टम कैसा है। तो ये वैकेंसी थी। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, यदि आप इच्छा रखते हैं और आप योग्यता रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।